रास्ते में अतिक्रमण को लेकर गुर्जर समाज के लोगों में हुई मारपीट, क्रॉस केस दर्ज। एक पक्ष ने एसपी से लगाई गुहार, झूठी कायमी कर फंसाया जा रहा। खबर नरवर से आ रही है, जहां रहने वाले गुर्जर समाज के परिवार ने आरोप लगाया कि सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण को लेकर उनका विवाद हो गया, जहां विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ लोग विवाद में घायल हो गए। पुलिस ने आरोपियों पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरे पक्ष की तरफ से पुलिस ने धारा 307 के तहत केस दर्ज किया है। एक पक्ष ने एसपी को ज्ञापन देकर गुहार लगाई कि दूसरे पक्ष के द्वारा जो पुलिस ने धारा 307 लगाई है वो झूठी लगाई गई है, उसकी जाँच कराकर न्याय दिलाया जाए। देखिए क्या कुछ कहा घायल व्यक्ति ने। राम सिंह गुर्जर, नरवर, वार्ड नंबर 15 से। क्या कुछ कर रहे हो भाई? उस दिन क्या है, ये लोग हमारी रास्ता रोक रहे थे, हमारे खेत के सामने सरकारी जो है ज़मीन है उस पे जो अतिक्रमण जबरदस्ती करना चाह रहे थे। रोका तो ये गाली गलौच करने लगे और ये कहने लगे मादर चुत तो ये जान से मार देंगे। वहाँ मुवाद हुआ, फिर वहाँ से हम भागे तो ये 10-15 लोग थे पूरे, और उसमें जो है रास्ते में रोके इन लाठियाँ और जो है जो लुआंगे और धारदार हथियार से जो है हम पे तीनों पे, जो सामने देखा है आपने, इतना प्राणघातक हमले। जब हम डले रह गए तो ये उधर उधर को गए, फिर वहाँ से हम भागे, भाग के घर पहुँचे, घर पे पहुँचे लाठी डंडे और हम कमरों में दुब गए और कुंदी तोड़ गए, बर्तन तोड़ गए, टोड़ी तोड़ गए और मैसेज को मारा, इनने लातें दी और हमारे साथ जो 307 की कामी की गई है बिल्कुल सरासर झूठ है, इसकी जांच की जाए। श्रीमान जी और जो भी सक्षम अधिकारी है और मुख्यमंत्री जी, सबको निवेदन करता हूँ कि एक मुझ गरीब को पूरा न्याय दे दे। मैं आपको सबसे ये निवेदन करता हूँ कि एक सच्चाई देखी जाए इसमें। ये सर हमको कोई मालूम नहीं है, ये लठियाँ थी उनके पास, उनकी लठी ऐसे लगी है कि भागे हमको पकड़ रहे थे, कैसे गिरे कैसे हमको कोई मालूम नहीं है उसका। हम तो नियत थे बिल्कुल, इसकी जांच की जाए, सीबीआई की कोई भी जांच की जाए, सक्षम अधिकारी से मैं निवेदन करता हूँ, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा।